हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीटोलॉजी। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर नीट फेलियर स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, और वो टॉपिक है ड्रॉप और नो ड्रॉप, यानी ड्रॉप लेना चाहिए या ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ये हर नीट फेलियर स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, और इससे स्टूडेंट्स डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उसको ड्रॉप लेना चाहिए या ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो आइए इस टॉपिक पे बात करके आपके कन्फ्यूज़न को डिसीज़न में कन्वर्ट करते हैं। मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा ड्रॉप और नो ड्रॉप को लेकर, उसके मद्देनज़र रखते हुए आप ड्रॉप लेना चाहिए या ड्रॉप नहीं लेना चाहिए आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन एट द लास्ट डिसीज़न आपका रहना चाहिए। लाइफ आपकी है, आपको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स पहले कैटेगरी पे जो लाया करते हैं वो होते हैं ट्वेल्थ अपेयरिंग, जिसको हम लोग फ्रेशर्स बोलते हैं जनरली, क्योंकि उन्होंने अभी सीबीएसई बोर्ड दिया है, उसके साथ साथ उन्होंने नीट में अपेयर किया था, तो उनका नहीं भी हुआ तो चलो उसका प्रिपरेशन थोड़ा कम था, तो कोई बात नहीं, वो उनको पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। पार्शियल का कहने का मतलब है कोई भी अलग कोर्स में एडमिशन लेके उनको नीट का प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनली सजेशन यही रहेगा, उनको अगर एम है कि हम डॉक्टर बने एमबीबीएस क्लियर करें तो उनको डायरेक्टली सिर्फ नीट पे फोकस करना चाहिए। अगर उन्होंने ट्वेल्थ अपेयरिंग के साथ एग्ज़ाम दिया है तो इनका तो सिंपल क्लियर है। दूसरे कैटेगरी पे जो लाई करते हैं वो फर्स्ट ड्रॉप या सेकंड ड्रॉप वाले स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ड्रॉप या सेकंड ड्रॉप वाले स्टूडेंट्स पार्शियल ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट ज़्यादा सीरियस हैं और जिनको पता है कि हमसे ये गलतियाँ हुई हैं, हमसे पढ़ाई नहीं हुई है, और वो जनरली अपने इंस्टिंक्ट को समझते हैं और वो जानते हैं कि कैसे पढ़ाई करना है, सीरियसली स्टडी करना है, तो उनको सिर्फ फुल ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स थोड़े नॉन सीरियस हैं, जो अपने आप को पहचानते हैं, उनको पार्शियल ड्रॉप के साथ चलना चाहिए, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए कि एमबीबीएस होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो आपके साथ साइड कोर्स भी अवेलेबल रहेगा, तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। लेकिन जो स्टूडेंट सीरियस है पढ़ाई को लेकर, एमबीबीएस को लेकर, उनको फुल ड्रॉप लेना चाहिए, चाहे उनका फर्स्ट ड्रॉप हो या फिर सेकेंड ड्रॉप हो। थर्ड कैटेगरी पर वो स्टूडेंट लाइक करते हैं जिसको थर्ड ड्रॉप या फोर्थ ड्रॉप, जो रेड जोन में आते हैं, जिनके पास घर के ताने, पेरेंट्स के प्रेशर एटसेट्रा एटसेट्रा सारे चीज़ें होते हैं। जनरली थर्ड और फोर्थ ड्रॉप पे सब आपको सजेस्ट करेगा कि आप नीट छोड़ दो, कोई और रास्ता देख लो। लेकिन ये चीज़ थर्ड और फोर्थ ड्रॉप वाले स्टूडेंट्स ही जानते हैं कि उन्होंने एनसीईआरटी की बायोलॉजी को पूरा पढ़ लिया है, उन्होंने सारा फिगर देख लिया है, फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखा है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे आते हैं नहीं आते हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपने तीन ड्रॉप में, तो उनका लगभग 50-70% उनका सिलेबस कवरेज है। तो अगर वो स्टूडेंट्स जनरली अगर अपने आप को समझा दे और वो एक साल भी सीरियस स्टडी कर ले तो एमबीबीएस क्रैक कर सकता है, लेकिन वो चाहिए कि उसके अंदर वो जिद, फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, ट्वेल्थ अपेयरिंग, ये सबसे ज़्यादा जिद होना चाहिए उसके अंदर कि उसको एमबीबीएस ही करना है, तभी वो थर्ड ड्रॉप और फोर्थ ड्रॉप के साथ एक और ड्रॉप अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि थर्ड ड्रॉप और फोर्थ ड्रॉप पेरेंट्स से मांगना इतना आसान नहीं होता है, और पेरेंट्स गलत भी नहीं अपने तरीके से देखा जाए तो, वो भी देखते हैं कि आपका अपना बेटा या फिर अपनी बेटी एक अच्छा सक्सेसफुल बने, वो आपके दुश्मन नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो आपको टॉर्चर कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब तक आप पे प्रेशर नहीं पड़ेगा आप कुछ नहीं करोगे, ये आपको भी पता है। लेकिन अगर आप थर्ड और फोर्थ ड्रॉप आपका हो चुका है, उसके बाद भी अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, तो एक बार बैठ के ठंडे दिमाग से सोच लो कि हमको एमबीबीएस ही करना है, नहीं होगा तो उसके क्या सरकमस्टांसेस निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, सब अच्छे से सोच लो। अगर तुमको लग रहा है नो आई एम नॉट कैपेबल, अब हमसे नहीं पढ़ा जाएगा दोबारा, यू कैन ट्राई समथिंग एल्स। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नेचर जो है हम लोग को कराना कुछ और चाहती है और करते हम कुछ और हैं, और ये चीज़ें हमको अभी समझ में नहीं आएंगी, ये चीज़ें हमें बाद में समझ में आती हैं। कुछ टीचर्स अभी भी हैं ऑनलाइन भी, यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने एमबीबीएस किया लेकिन वो डॉक्टर ना बनके टीचर बनके भी टीचिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका जो डेस्टिनी है कुछ और सेट था। तो हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, लेकिन नहीं, आप अगर जिद पे हैं, आप में जुनून है, नहीं हमको एमबीबीएस ही करना है, आपका थर्ड ड्रॉप हो, फोर्थ ड्रॉप हो, फिफ्थ हो, सेकेंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार अगर आप एमबीबीएस कॉलेज में चले गए तो आपको कोई नहीं पूछने वाला है कि आप एक फर्स्ट ड्रॉप थे, सेकंड ड्रॉप थे, थर्ड ड्रॉप थे, फोर्थ ड्रॉप थे। तो यहाँ से आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि हमको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर ड्रॉप नहीं लेना चाहिए।
तो आइए हम बात कर लेते हैं अपने लेक्चर्स के बारे में थोड़ा कुछ। तो लेक्चर्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे, लेक्चर्स हमारे चैनल पे न्यूटोलॉजी पे लेक्चर्स जून जून 25 से प्रोवाइड किए जाएंगे और हर एक लेक्चर 30-45 मिनट्स का होगा। एंड एब्सोल्युटली ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये सारे कंटेंट फ्री होंगे, आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं, आपको बस मेरे से पढ़ना है, समझना है। आपको ऐसा लगता है कि हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं, मेरे PYQ सॉल्व हो रहे हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस चैनल को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपको अगर कुछ लग रहा है कि नहीं वीडियो में हमको ये इम्प्रूव करना चाहिए तो वो आप हमें कमेंट करो, हम आपको बताएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को पेन पेपर मोड में नहीं पढ़ाना चाहिए तो वो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी सफिशियंट बजट भी नहीं है। तो अभी आपको हम पेन पेपर मोड में ही पढ़ाएंगे, लेकिन आपको हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको एक भी PYQ नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना भरोसा मेरे पे रखिए। और अगर हमको फॉलो कर रहे हैं तो टोटली बिलीव कीजिए मेरे पे, आपको हम एक एक क्वेश्चन बनवाएंगे। 2023, 2022, 2021, 2020 आप हर एक क्वेश्चन बना के देखना, आपका हर एक क्वेश्चन हिलेगा बायोलॉजी का, ये मेरी गारंटी है। बाकी लेक्चर्स जून 25 से आपके स्टार्ट होंगे, 30-45 मिनट्स के आपके लेक्चर होंगे, फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक लेक्चर के बाद क्वेश्चन सीरीज जो मैंने बताया है हर एक चैप्टर का कराया जाएगा, वो भी 30-45 मिनट्स का होगा। और अगर आप आज सोच लिए हो कि ड्रॉप लेना है या ड्रॉप नहीं लेना है तो आज से स्टडी स्टार्ट कर दो। मत सोचो कि कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, बस आँख बंद करो, अपना पढ़ाई पे लग जाओ, रिजल्ट्स दिखाओ, रिजल्ट्स। क्योंकि इस टाइम पे अगर तुम फेल हो जाओगे ना तो तुमको कोई नहीं देखने आ रहा है कि तुम घिस घिस के पढ़ाई कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, बस तुम्हारे अंदर आएंगे और तुमको बोलेंगे, फेलियर का मेडल टांग देंगे और बोलेंगे सिंसियर नहीं था, पढ़ा नहीं होगा बस। और ये नहीं बोलेंगे तुमको कि तुम रोज़ TV नहीं देखे, खेलने नहीं गए, किसी के शादी में नहीं गए, ये सब कोई नहीं देखेगा अगर तुम अनसक्सेसफुल हो तो। अगर तुम अनसक्सेसफुल हो तो तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे भावनाओं कुछ भी तुम मैटर नहीं करेगा, किसी को भी नहीं। एक टाइम पे तुम पेरेंट्स को भी खटकने लगोगे। और यही टाइम है मैच्योरिटी का, यही टाइम है डिसीजन का, यही डिसीजन, अभी का डिसीजन ही आगे का लाइफ को चेंज करेगा, हमारे लाइफ को। तो अच्छे से सोचो, अगर तुम थर्ड ड्रॉप और फोर्थ ड्रॉप में हो तो ड्रॉप लेना चाहिए या ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ये अच्छे से सोचो और अच्छे से डिसीजन लो। और हम तो बोलेंगे तुम थर्ड ड्रॉप और फोर्थ ड्रॉप में भी हो और तुम्हारा जिद है, तुम्हारे में जुनून है पढ़ने का, तो तुम लो नीड को, मत सोचो कि कौन क्या बोलेगा, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, कौन क्या बोलेगा। अगर तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बहुत सारे चैनल फ्री प्रोवाइड कराते हैं, कहीं से भी तुम पढ़ाई करो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर है कि नहीं हमको एमबीबीएस करना है, क्रैक करना है, थर्ड ड्रॉप फोर्थ ड्रॉप लग रहा है, तो पढ़ो 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 और पढ़ो। बस पढ़ाई इज़ ओनली द मीडियम थ्रू विच यू कैन क्रैक द नीट, ये बात तुमको भी पता है और हमको भी पता है, कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है। लास्ट के थर्ड महीने में, लास्ट के महीने में आके बोलोगे 3 महीने में नीट कैसे क्रैक कर ले, 2 महीने में कर ले, नहीं होगा। क्योंकि तुमको एक डाटा हम बता देते हैं कैसे, जैसे नीट नीट 2022 में 50 प्लस स्टूडेंट्स 720 स्कोर किए थे, और नीट 2023 जो अभी हुआ उसमें 350 स्टूडेंट्स ने 700 का स्कोर प्लस किया है, 700 का मार्जिन को क्रॉस किया है। अब तुम समझ सकते हो कंपटीशन कितना टफ हो रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कर नहीं सकते हो। अगर ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो तुम भी कर सकते हो, बस ज़रूरत है कि तुम कैसे पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो उसके साथ तुमको स्मार्ट सिटी की भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि कितना स्टूडेंट्स देख रहे हो ना, 18 लाख स्टूडेंट्स प्लस
चलो उसमें नॉन सीरियस चलो हटा देते हैं, तो फिर भी 2 लाख स्टूडेंट्स बचते हैं, 2 लाख स्टूडेंट्स तो सीरियसली पढ़ रहे होंगे, तो उसमें तुमको कम्पीट करके आगे निकलना है तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको पकड़ना पड़ेगा और आगे स्मार्ट स्टडी करके 10 स्टूडेंट 1000 स्टूडेंट से आगे भागना पड़ेगा तुमको। रेस तो सब कर रहे हैं लेकिन रेस का सही स्ट्रेटजी करके रेस को कंप्लीट करना, यही नीट है, यही कंपटीशन है। एग्ज़ाम को कंपटीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पढ़ तो सब रहा है, नॉलेज सबके पास है, बट 3 घंटे में 180 क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी सब में नहीं है। और वो यही चाहता है नीट कि हम स्टूडेंट्स को, वो जनरली एग्ज़ाम सिलेक्शन के लिए नहीं कराता है, वो रिजेक्शन के लिए एग्ज़ाम कराता है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझे होंगे और बाकी लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। लेक्चर्स June 25 से कराया जाएगा और 30 to 45 मिनट्स के लेक्चर होंगे, फ्री कंटेंट होंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पे कनेक्टेड रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम के चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे आप चेक करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो हमारे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू।